नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर नगर पंचायत कार्यालय भारतगंज प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पंचायत कार्यालय भारतगंज में रखा हुआ कंपोस्टर मशीन, खाद्य मशीन को यहां कार्यालय के कर्मचारियों को इस मशीन के बारे में बताया जा रहा है, यानी मशीन ऑपरेटिंग के बारे में सिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं कवरेज किए गए इस रिपोर्ट को और लेते हैं कुछ जानकारी। आइए बात करते हैं नगर पंचायत कार्यालय में मौजूद और बात करना चाहेंगे जिस तरह से यह मशीन यहाँ पर पड़ी हुई, काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आखिर इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और क्या करना पड़ेगा। जी पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सालिम शेट्टी है जी, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ जी। ये खाद मशीन, कंपोस्टर मशीन जी, ठीक है। इसमें वेस्टेज खाना गिरता है जी, पत्तियाँ, सब्जियाँ और फल फ्रूट जैसी सब्जियाँ इसमें गिरनी पड़ती है। अच्छा, ये इसका सेडर है। अच्छा, जैसे तो माल काटता है जी, ठीक है। ये इसका कंपोस्टर है जो माल को सुखाता है। ये कंपोस्टर है, ये कंपोस्टर है जी। इसका काम है माल काट के छोटा करके नीचे गिरना, इसका काम है सुखाना। अच्छा अच्छा, ये बना के बाहर निकालेगा। ठीक, इसका खर्चा है 24 घंटे। अच्छा, ये 24 घंटे में खाद बना के बाहर निकालेगा। 24 घंटे में, यानी मशीन 24 घंटे चलेगी जी। जी, जिससे लाइट का व्यवस्था थोड़ा सा नहीं सही है, अगर मान लो प्रॉब्लम होता है, लाइट आ रही है जा रही है, काफी घंटे तक बंद है लाइट जी, जी। उससे कुछ समस्या आ रही है जो, इससे उससे समस्या कुछ नहीं आएगी, थोड़ा बहुत चैन वैन पे डाउट पड़ेगा। हाँ, सूखने के बाद। हाँ, माल सूखने लगता है, 2 घंटे की लाइट गई तो माल सूख जाता है। अच्छा, तो इसके उससे हमें तुरंत चलानी पड़ेगी मशीन एकदम। अच्छा, अगर लाइट 2 घंटे के बाद आई तुरंत मशीन चलानी पड़ेगी। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दी गई। हाँ, तो मशीन में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो आप कंपनी से आए हुए हैं इंजीनियर इसके, जिस तरह से बता रहे हैं आप, तो ये बताइए इस मशीन में जो कोई भी फॉल्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो फिर उसके लिए कितने दिनों बाद आपका यहाँ पर आना होगा? मान लो कंप्लेन करते हैं आदमी, आपने कंप्लेंट गिनने के बाद मेरा 24 घंटा में आने में लगता है मुझे वहाँ से, और 24 घंटे में कंप्लेंट को सुनवाई हो जाती है। 24 घंटे में हो जाता है जी। जिस तरह से आपने बताया कि इस तरह से इसमें कचरे डाल के इस तरह से ड्राई भी करता है, सुखाता भी है, अब खाद बनाता भी है जी। तो ये कचरा जो इस तरह से अनेकों किस्म के कचरे हैं, क्या सारे कचरे इसमें यूज होंगे? नहीं 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 नहीं, आइए मैं आपको एक चीज दिखाऊं। कंच की बोतल, बैटरी, नारियल, दवाइयां, पॉलिथीन में भरा हुआ सामान, कैंचियां, हड्डियां, और पॉलिथीन में भरा हुआ जो गलत सामान होता है, मतलब पिन्नी वगैरह, वो नहीं गिरनी। अच्छा, सब्जियां आदि, मीट और हड्डियां हर पतली वाली जैसे मुर्गे की वगैरह की होती है। हाँ, हाँ, ठीक है। और तुम्हारा सब्जी वगैरह आदि, मतलब जो भी कुछ वेस्टेज अगला। हाँ, हाँ, वो सब यूज होगा जी, जी। बाकी जी, जितना इसमें कट का निशान दिखा रहा है कि कटिंग जी, ये जी, सब चीजें नहीं डालना है जी। नहीं, ये करने मतलब आपका जी, है जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिससे हमने इसके बारे में पूरी तफसील से जानकारी दिया है, धन्यवाद। ये माल खुद बाहर फेंक देगी, देखो ये फेंक रहा है, सुखाने के बाद ऐसा फेंक देगी माल बाहर। हाँ, मेरी फोटो आए तो माल बना हुआ रहा था, मैंने चोरी मशीन चलाई हुई 10 घंटे वहाँ पर पैकिंग करने के लिए। बस ठीक है, अब शुरू करना करो, माल बन गया बाहर निकाल इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।